गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आज हैं 14th अगस्त 2024, और एक घंटे बाद यानी कि 12:15 हमारी ट्रेन है और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन मथुरा, और ये हम हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। ओके, देखो देखो, और हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारा कोच नंबर है B7। और रात को 12:15 हमने ट्रेन पकड़ी और हम फिर सो गए थे ट्रेन में, और सुबह के इस समय बज रहे हैं 6 और हम पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन। बच्चे उठ गए हैं सो करके, और ये मॉर्निंग का नज़ारा देखिए। मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन में। आ जाओ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और अब हम मथुरा जंक्शन से बाहर निकलकर टैक्सी स्टैंड पे जा रहे हैं, यहाँ से हम कैब लेकर के जाएंगे वृंदावन, और हमारी बुकिंग हो रखी है वृंदावन में और हमने कैब ले ली है, और कैब वाले भैया हमें मथुरा वृंदावन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कहीं बारिश बारिश क्या नहीं हो रही, पर नाटक हो रहा है, वो झुमी झुम बारिश हो रही है। हाँ, वो तेजी वाली बारिश नहीं हो रही, आराम से होती है बस। और फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल वृंदा पैलेस में, और इस समय बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30, और हमने होटल से रिक्वेस्ट किया था कि वो हमें अर्ली चेक इन अलाउ कर लें, और उन्होंने किया भी। तो देखते हैं वृंदा पैलेस कैसा है। ये है होटल का रिसेप्शन, और थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट लेकर के फ्रेश होकर के फिर मंदिरों के दर्शन स्टार्ट करेंगे। हमें मिला है रूम नंबर 206 जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। चलिए चलते हैं, तो चलते हैं रूम में, देखते हैं वृंदा पैलेस का रूम कैसा है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं रूम में, और रूम हमें ठीक ठाक लगा। बेसिक सारी अमेनिटीज़ हैं, टीवी है, सोफ़ा है, एसी लगा हुआ है, वार्डरोब है, और ड्रेसिंग टेबल भी है, बाथरूम में गीज़र है, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं इस रूम में। तो हम थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं और उसके बाद हम मंदिरों के दर्शन करना स्टार्ट करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि हम वृंदावन में कहाँ कहाँ घूमे हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।